हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू क्रिसमस किचन। आज मैंने बनाया है गुड़ और मूंगफली के लड्डू, और बहुत हेल्दी हैं। गुड़ नेचुरल सोर्स होता है आयरन का, और मूंगफली में विटामिन B12 होता है, विटामिन ई होता है, तो काफ़ी अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर गुड़ और मूँगफली के लड्डू बनाना। यहाँ मैंने 400 ग्राम्स रोस्टेड पीनट्स लिए हैं, यानी कि मूँगफली ली है, और 200 ग्राम गुड़ लिया है। इसे हम एक साथ ग्राइंडर जार में डाल करके दरदरा पीसेंगे। और यहाँ पे एक बेच को मैंने ऑलरेडी पीस लिया है, और ये देखिए बिल्कुल दरदरा है, हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है। तो जब आप पीस रहे हैं तो आप इसे बंद चालू करते हुए पीसें, ताकि इसका पेस्ट ना बने। और गुड़ और मूँगफली को साथ में अगर आप मिला करके पीसेंगे तो वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। ये बहुत आसानी से बना सकते हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। और यहाँ पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि पीनट को कैसे रोस्ट किया जा सकता है, यानी कि मूँगफली को कैसे रोस्ट करते हैं और कितने आसानी से उसके छिलके उतारे जा सकते हैं, तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ सारे गुड़ और पीनट को हमने अच्छे से पीस लिया था। अब इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर मिला दिया है, और यहाँ डालेंगे हम 1 चम्मच घी। घी को आप ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि जो मूंगफली है वो ऑलरेडी थोड़ा ऑयली होता है, तो ज़्यादा ना हो जाए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। एक थोड़ा पोर्शन, जितना बड़ा आपको लड्डू बनाना है वो हाथ में आप लें, और इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम तरह से आप फॉलो करें और लड्डू बनाना शुरू करें। इस तरह करने से जो लड्डू का सरफेस है वो क्रैकी नहीं रहेगा, और सारा अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। और बाकी के जो भी लड्डूज हैं वो हम इस तरह से बना लेंगे। सर्दियों में गुड़ और पीनट के लड्डू बहुत अच्छे होते हैं, बना करके आप बच्चों के लिए भी दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद भी आएंगे और हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो मैं सारे लड्डू इसी तरह से बना लूँगी। आप कोई भी अपना पसंद का शेप इसे दे सकते हैं, मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ, जो भी आपको पसंद है वो शेप दें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। सब्सक्राइब बटन जो विंडो के जस्ट नीचे हैं उसके पास में ही एक येलो कलर का घंटी का बटन है, अगर आप उसे एक बार प्रेस कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगा। तो इसी तरह से मैंने बाकी के सारे लड्डू यहाँ पर बना लिए हैं, और ये देखिए सारे लड्डू मेरे रेडी हैं। आप बनाएं घर पर, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।